आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है सारणिकों के गुणधर्मों के उपयोग द्वारा सारणिक बराबर शून्य को x के लिए हल कीजिए। तो हमें बताना है कि x का मान यहाँ क्या होगा। तो देखो भाई, हमें सारणिक जो दी गई है उसको हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास सारणिक क्या है वो लिखते हैं। सबसे पहले तो सारणिक है x माइनस दो, दो एक्स माइनस तीन, तीन एक्स माइनस चार, एक्स माइनस चार, दो एक्स माइनस नौ, तीन एक्स माइनस सोलह। यहां से आ जाएगा भाई एक्स माइनस आठ, दो एक्स माइनस सताइस, तीन एक्स माइनस चौसठ बराबर हमें दिया गया है शून्य। तो हम बराबर लिख लेंगे शून्य। अब देखो हम इसके अंदर इसको पहले गुणधर्म का प्रयोग करके इसको थोड़ा आसान करेंगे। तो देखो भाई, हम गुणधर्म का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहां लिख रहा हूं भाई मैं आर वन को परिवर्तन कर रहा हूं आर वन माइनस आर टू। तो देखें भाई, आर वन माइनस आर टू करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। यहां से हमारे पास आ जाएगा देखो एक्स माइनस दो, माइनस आर टू करना है तो माइनस एक्स, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। इसी तरह दो एक्स माइनस तीन, माइनस दो एक्स, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो नो। इसी तरह ये तीन एक्स माइनस चार, माइनस आर टू है तो माइनस तीन एक्स, प्लस हमारा सोलह हो जाएगा। तो ये हमने इसके अंदर परिवर्तन कर लिया, आर वन में गुणधर्म का प्रयोग किया है, बराबर हमारा शून्य है। इसका आर टू में कोई परिवर्तन नहीं है। तो एक्स माइनस चार, दो एक्स माइनस नौ, तीन एक्स माइनस सोलह, फिर एक्स माइनस आठ, दो एक्स माइनस सताइस और हमारा आ गया तीन एक्स माइनस चौसठ। इसी तरह हम ये गुणधर्म इसमें भी लगा लेंगे ताकि हमारा इसमें भी x का मान खत्म हो जाए, संख्यात्मक मान आ जाए। तो अब गुणधर्म लगाएंगे, r2 को परिवर्तन करेंगे r2 माइनस r3। तो अब देखो हमारे पास क्या आ जाएगा। यहां से हम बात करते हैं तो देखो, पहले तो r1 को लिखते हैं हम। आर वन में देखो एक्स से एक्स कट जाएगा, चार में से दो जाएंगे तो हमारे पास दो आ जाएंगे, दो एक्स से दो एक्स कट गया, नौ में से तीन गए हमारे पास आ गए छह, यहाँ तीन एक्स कट गया, सोलह में से चार गए हमारे पास आ गया बारह। तो अब देखो भाई, आगे आर टू में परिवर्तन किया हमने आर टू माइनस आर थ्री, तो क्या आ जाएगा भाई एक्स माइनस चार माइनस एक्स प्लस आठ। इसी तरह दो एक्स माइनस नौ माइनस दो एक्स, क्योंकि आर थ्री माइनस करना है, ये प्लस सताइस हो जाएगा हमारे पास। इसी तरह इसके अंदर आ जाएगा हमारे पास तीन एक्स माइनस सोलह माइनस तीन एक्स प्लस चौसठ, आर थ्री में कोई परिवर्तन नहीं है तो ये आ जाएगा एक्स माइनस आठ, दो एक्स माइनस सताइस, तीन एक्स माइनस चौसठ। तो अब देखो भाई, ये हमारा सारणिक का मान सारणिक हो गई, उसके बराबर हम लिख देंगे शून्य। तो यहां से देखो भाई हमारे पास क्या आ जाएगा। तो पहली पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं है हमारे पास, तो पहली तो जैसी है वैसी की वैसी हमारी आ जाएगी। तो यहां से आ जाएगा दो छह बारह, देखो भाई एक्स से एक्स कट गया, आठ में से चार जाएंगे हमारे पास चार बच जाएंगे, दो एक्स से दो एक्स कट गया, सताइस में से नौ घटाएंगे हमारे पास आ जाएगा अठारह। इसी तरह तीन एक्स से तीन एक्स कट गया, चौसठ में सोलह, तो हमारे पास बच जाएंगे अड़तालीस। तीसरी पंक्ति एक्स माइनस आठ, दो एक्स माइनस सताइस और तीन एक्स माइनस चौसठ, ये हो गई हमारी तीनों पंक्तियां। अब बराबर हमारे हैं शून्य। अब हम देखते हैं यदि इसका कोई अवयव शून्य हो रहा है तो अवयव को शून्य करते हैं ताकि हमारे इसको हल करना आसान हो जाए। तो यहां से देखो भी मैं लगा रहा हूं आर वन को परिवर्तन कर रहा हूं आर टू को परिवर्तन कर रहा हूं भाई, किसको परिवर्तन कर रहा हूं आर टू में परिवर्तन कर रहा हूं आर टू माइनस टू आर वन। तो यहां से देखो भाई क्या आ जाएगा हमारे पास, आर टू में परिवर्तन किया है हमने, तो आर टू में परिवर्तन किया है तो भाई आर वन तो समान रहेगा हमारा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, दो छ बारह। उसके बाद देखो भाई, यहां देखो चार माइनस दो दुणी चार, अठारह माइनस छ दुणी बारह, फिर
48, यहां से देखो भाई माइनस 12 दुना 24, तो तीसरी पंक्ति तो हमारी समान आई, तो एक्स माइनस 8, 2x माइनस 27 और 3x माइनस 64, तो ये हमारा हो गया। आप देखो भाई इसको आगे लिखेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, वो लिख लेते हैं हम। तो यहां से हमारे पास देखो भाई क्या बच गया, यहां से हमारे पास प्रथम पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं है हमारे पास, तो प्रथम तो जैसी है वैसी की वैसी आ जाएगी, तो 2, 6, 12, 4 में से 4 गया 0, यहां देखो 12 में से हम 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई 6, 48 में से 24 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24, यहाँ आ जाएगा x माइनस 8, 2x माइनस 27, 3x माइनस 64 बराबर हमारे पास आ जाएगा भाई 0, क्योंकि हमारे बराबर दिया हुआ है 0, तो ये 0 आ गया। तो देखो ये हो गया हमारा 0 हो चुका है। अब देखो भाई हम इसमें कुछ परिवर्तन और करते हैं ताकि ये अवयव हमारा और 0 हो जाए, तो इसको परिवर्तन ये संभव नहीं है हमारा कोई भी ऐसी संख्या, क्योंकि यहाँ करेंगे तो यहाँ फिर ये वापिस आ जाएगा, क्योंकि ये 6 माइनस 6 करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं अब इसमें प्रसार कर देते हैं, और प्रसार है वो हम करेंगे C1 के सापेक्ष, C1 के सापेक्ष क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर एक अवयव शून्य है हमारा, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो देखो पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है, तीसरा प्लस होता है, हमारा एकांतर क्रम में होता है, तो पहला 2 आ जाएगा, तो ये 2 जिस पंक्ति में आ रहा है उस पंक्ति और स्तंभ के अवयव को छोड़कर बाकी अवयव लिख देंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 6, 24, 2x-27, 3x-64, फिर ये 0 है तो 0 से तो माइनस का 0 होगा, तो ये पंक्ति ये स्तंभ और पंक्ति दोनों छोड़ दिए, तो हमारे पास आ गए 6, 12, 2x-27 और 3x-64, क्योंकि ये और ये छोड़ा था, तो हमारे पास फिर प्लस है एक्स माइनस 8 है, तो देखो एक्स माइनस 8 है जिसमें छोड़ देंगे, तो हमारे पास 6, 12, 6, 24 बराबर हमारा है 0। तो अब इसको हल करेंगे तो देखो भाई हमारे पास क्या आएगा, 2, यहाँ इसको 6 से गुणा करेंगे तो 6, 12, 6, 18x माइनस 64 को 6 से करेंगे, 6 चौके 24, 2, 36 और 2, 38, फिर हमारा माइनस होता है इन दोनों का गुणा होगा, तो माइनस 24 गुणा 48x माइनस माइनस ये हो जाएगा हमारा प्लस, 27 को 54 से हम गुणा करेंगे तो 27 को 24 से गुणा करेंगे, 27 गुणा 54, 27 चौका 108, हासिल आ गई 10, 27 गुणा 54 और 10 से 64, तो ये आ गया 648, 0 से कोई भी संख्या गुणा करते हैं तो वो 0 हो जाती है, तो ये सारा 0 हो जाएगा, प्लस से एक्स माइनस से 8, यहां से हम गुणा करेंगे 24 को 6 से, तो 6 चौके 24, 2, 6 दुनी 12, 2, 14, 144 माइनस 12, 5, 60, 12 छिके 72 बराबर हमारा है 0। तो यहां से आगे देखो भाई, यहां से 2, ये हमारे पास 2 आ गया, इसमें देखो 18x प्लस के हैं, माइनस के 48x हैं, तो देखो भाई यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस के 30x, यहाँ देखो भाई माइनस के 384 है, प्लस के 648 है, तो घटा लेंगे क्यों, प्लस की संख्या बढ़ी है, तो प्लस आएगा 8 में से 4 गए 4, यहाँ 4 में से 8 घटते नहीं, हासिल गई 14, 14 में से 8 गए 6, तो 5 में से 3 घटाएंगे 2, 264 प्लस से एक्स माइनस 8, 44 में से 72 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 72 बराबर हमारा 0, 2 का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस 60x प्लस 4 दुनी 8, 6 दुनी 12, 2 दुनी 4 और 1 5, फिर 72 का गुणा करेंगे तो 72x माइनस 8 दुनी 16, 1 8 56 और 1 57 बराबर हमारा आ गया 0, 72 में से 60 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12x। अब देखो ये प्लस का 528 है, माइनस 576 है, तो माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस का आ जाएगा, तो यहां से घटाएंगे 16 में से 8 गए 8, तो अब देखो भाई यहां से 6, 6 में से 2 गए 4, तो ये आ गया हमारे पास 48 बराबर हमारा है 0। तो यहां से देखो भाई 12x बराबर हमारा आ जाएगा
माइनस का है तो इधर आके प्लस का 48 हो जाएगा, तो यहां कर रहा हूं भाई बाकी भाग, तो यहां से देखो भाई जो 12 गुणा में दूसरी तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहां से हमारे पास 5 जो 48, तो एक्स का मान हमारे पास आ जाएगा 4, जो कि हमारा उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।